अभी सब्सक्राइब करें राम टेक्निकल टेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को भी प्रेस करें हमारी आने वाली सभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राम टेक्निकल ट्रिक में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से कैसे लिंक कर सकते हो, वो भी अपने फ़ोन से घर बैठे। तो ये बहुत ही सिंपल है और इस वीडियो को मैंने बहुत अच्छे से एडिट किया है तो ये और भी सिंपल हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राम और आप देख रहे हैं राम टेक्निकल ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप अपने फ़ोन के या फिर अपने पीसी के क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ पे सर्च बार में सर्च करेंगे लिंक आधार। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, लिंक आधार इनकम टैक्स, ये जो दिखा रहा है यहाँ पर। और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पॉपअप दिखेगा, तो मैं आपको यहाँ पर जूम करके बता देता हूँ। तो जैसे ही फ्रेंड्स आपको ये पॉपअप दिखेगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स पैन आधार नेम पर आधार एंड आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ का आधार कार्ड, ठीक है। तो इनका मतलब हम समझ लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले आप देखेंगे पैन कार्ड, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले बॉक्स में अपने पैन कार्ड का नंबर डालना है, सेकंड वाले में आप देखेंगे आधार नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डालना है सेकंड वाले बॉक्स में, एंड थर्ड वाले बॉक्स में क्या डालना है, नेम एज पर आधार, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड का सेम नेम डालना है, मतलब जो आधार कार्ड में वही यहाँ पर डालेंगे, मतलब थोड़ा बहुत ऐसा नहीं है कि पैन कार्ड में थोड़ा गलत हो गया है तो फिर उसी हिसाब से डाले, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो आधार कार्ड में आपका नंबर है वही यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स ये जो थर्ड ओनली है आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड, तो अगर आपके पास आपके आधार कार्ड में क्या है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ पूरी नहीं है, यानी कि ईयर है, साल है कि आप इस साल में हुए थे, मतलब आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं, तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे। और अगर आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ है तो आप यहाँ से टिक नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो दिख रहा है आई एग्री टू वैलिड, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, ये जो कैप्चा कोड है वो इस बॉक्स में डाल के लिंक आधार पर कर देंगे। तो मैं सबसे पहले डिटेल्स भर देता हूँ, उसके बाद मैं क्या करूँगा, लिंक आधार पर करूँगा, फिर आप देखिएगा आपको दिखा दूंगा कि आपको जो आधार कार्ड होगा वो लिंक हो जाएगा। तो मैं डाल लेता हूँ अपनी डिटेल्स, तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने सारी डिटेल्स फिल कर दी है। अब मैं क्या करूँगा, लिंक आधार पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो हमें एक नया ऑप्शन दिखेगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे मैं इसको ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो यहाँ पे दिखा रहा है यू पैन नंबर इज़ ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार कार्ड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बस इतना सा ही प्रोसेस करना है और इस प्रोसेस करने के बाद आपका जो पैन कार्ड होगा वो आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा, यानी कि आधार कार्ड आपके पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा। और इसके बाद क्या है कि आपको कैफे पर जाकर ये सारा कुछ कराना नहीं पड़ेगा, तो ये सारा कुछ आप अपने फ़ोन से ही कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज की जो जानकारी है वो पसंद आई है, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। तो आपने इस वीडियो को देखा, मुझे टाइम दिया, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।